सांवरी देवी की हवेली में उस बूढ़ी देवदासी की बात सुनकर सुहाना और आदित्य चौंक पड़े। सुहाना सोच में पड़ गई कि आखिर क्यों उस देवदासी ने भी वही कहा जो सबसे पहले दिन पुतुलबाड़ी की हवेली पर उस डायन ने कहा था। आदित्य बौखलाते हुए कभी देवदासी को देख रहा था तो कभी सुहाना को। इस पर सुहाना ने चौंकते हुए कहा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। जैसे ही सुहाना ने जवाब दिया, हवेली के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। आसपास तेज हवाएं चलने लगी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थी और कमरे में लगे झूमर के आसपास रोशनी फैल गई और वो देवदासी जोर जोर से हंसने लगी। ये देख सुहाना और आदित्य हैरान थे। फिर अचानक शांत होकर गंभीर आवाज में उसने कहा, इतिहास दोहरा रहा है और फिर से वो अपनी चाल चल रही है। बस हंसी इस बात की है कि उसको मेरे सामने यूं बेसहारा देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब सुहाना का सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से से कहा, बहुत हो गया, होंगी आप देवदासी, लेकिन आपके सामने एक माँ खड़ी है, वो माँ जिससे उसका बच्चा पैदा होते ही छीन लिया गया। ये एक माँ की लड़ाई है, इसीलिए आप मुझे साफ साफ बताइए आखिर आप किस बात की बात कर रही हैं? बहुत हो गया ये पहेलियों का सिलसिला। सुहाना का गुस्से वाला चेहरा देख आदित्य सक पका गया। तभी वो देवदासी अपना पल्लू संभालते हुए बड़ी ही अदब से सुहाना की तरफ बढ़ने लगी। भले वो बूढ़ी थी, लेकिन उसकी चाल किसी भी युवती को टक्कर दे सकती थी। उसके बाल सफेद थे, लेकिन चेहरे की झुर्रियां बहुत बारीक थी। अब उस देवदासी ने सुहाना की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ वियोना, तुम इतिहास दोहरा रही हो। सुहाना ये सुनकर हैरान रह गई। सुहाना ने आदित्य की तरफ चौंकते हुए देखा, फिर वो उस औरत की तरफ देख कर बोली, ये आप क्या बोले जा रही हैं? मैं वियोना नहीं हूँ, मैं सुहाना हूँ। सुहाना, वियोना तो वो डायन है। इस पर उस देवदासी ने कहा, इसी बात की कमी है, तुम्हें इतने सारे सपने आए, इतने सारे अतीत के पन्ने पढ़े, फिर भी तुम असली बात को समझ नहीं पाई। इसीलिए शायद मेरा मन कह रहा था कि मुझे आज यहाँ आना चाहिए, मेरा असली काम अब शुरू हुआ है। तभी आदित्य ने सोचते हुए पूछा, सुहाना के सपनों से वियोना का क्या लेना देना? उसके सपने में तो उसने कभी नहीं देखा ऐसा कि वो वियोना है। आदित्य की बात सुनकर सुहाना एक पल के लिए पुतले की तरह अपनी जगह पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, आदित्य, वो मेरे सपने में। अचानक सुहाना बोलते बोलते रुक गई और एक बार फिर वो देवदासी हंसते हुए बोली, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो सुहाना, अब तुम्हें सब समझ आ रहा होगा। मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सपनों में या जब भी तुम हवेली में फंसती थी, क्या तुम्हारी काकी तुम्हारे साथ होती थी? ये सुनकर मानो सुहाना की आंखों में एक चमक सी झलकने लगी, जैसे उसने गुत्थी सुलझा ली हो। उसने चौंकते हुए एक शब्द में कहा, नहीं। क्या तुम्हें सपने में लोगों ने वियोना बुलाया है? देवदासी ने अगला सवाल पूछा, जिस पर सुहाना ने कहा, हाँ। देवदासी ने बड़ी गंभीर आवाज में दूसरा एक और प्रश्न पूछा, क्या तुम्हें हवेली में एक गर्भवती औरत नजर आई जिसका चेहरा जला हुआ था? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उसको जानती हो? जैसे ही देवदासी का दूसरा सवाल सुहाना ने सुना, उसके दिमाग में हलचल पैदा हो गई। मानो जैसे सुहाना का सर चकरा रहा था, वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सुहाना गुस्से से पागलों की तरह एक बात बोले जा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। सुहाना का ये हाल देखकर आदित्य बौखला गया। उसने सुहाना को संभालते हुए कहा, अरे आप हमें सीधे सीधे बता दीजिए ना, आप देखिए सुहाना को कुछ हो रहा है। तभी उस देवदासी ने गुस्से से कहा, नहीं, वियोना को अपने अतीत के बारे में खुद जानना होगा, यही किस्मत की मर्जी है, इसके खिलाफ तुम चाहकर भी नहीं जा सकते, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन आप, इससे पहले आदित्य अपनी बात कहता, उस देवदासी ने गुस्से भरी निगाहों से आदित्य को देखा, जिसे देखकर आदित्य एकदम पीछे हटा।
सुहाना अपना सर पकड़े हुए सोचने की कोशिश कर रही थी, तभी उस देवदासी ने कहा, याद करो सुहाना, याद करो, उस दिन इसी हवेली में तुम्हें जलाया था, तुम्हारे इरादे पर पानी फिर गया था, तुम सुहाना नहीं, वियोना हो, वियोना। उस औरत ने चीखते हुए कहा, वियोना अब तुम्हारा अंत पास आ चुका है। जैसे ही देवदासी ने ये कहा, पलक झपकते ही सुहाना ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे हवा में उठा लिया। ये देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए कहा, सुहाना। सुहाना की सुर्ख लाल आंखें चमकने लगी और वो देवदासी को उठाते हुए खुद हवा में उड़ने लगी। ऊपर पहुंचकर सुहाना ने अचानक से उस देवदासी को जमीन पर गिरा दिया और सुहाना खुद बखुद झूमर से उल्टा लटक गई। जैसे ही देवदासी जमीन पर गिरी, उसने मुस्कुराते हुए सुहाना की तरफ देखा। ये सब देखकर पास ही खड़े आदित्य के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सुहाना आखिर तुम ये क्या कर रही हो। इस पर सुहाना उल्टा लटकती हुई जोर जोर से हंसने लगी। सुहाना की खौफनाक हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी, जिसके साथ हवेली की बत्तियां अचानक से चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। आदित्य अंधेरे में इधर उधर टटोलने लगा। तभी अचानक से आदित्य को लगा कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां एक नीली रोशनी हवा में खुद जलने लगी और ठीक उसके पीछे सुहाना की सुर्ख लाल आंखें चमकने लगी। सुहाना को यूं देखकर आदित्य वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उसने गौर किया कि वो एक ही जगह पर भागे जा रहा था। सुहाना फिर एक बार जोर से हंसी और वो धधकता हुआ नीला आग का गोला ऊपर उठा और कमरे में रोशनी फैल गई। नीचे जमीन पर बैठी देवदासी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम बाहर आ ही गई वियोना। इस पर सुहाना ने हंसते हुए खौफनाक भरी आवाज में कहा, जब मैं बाहर आ ही गई हूँ तो अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। जैसा मैं कहती हूँ कि मरने वाले को मरने से पहले सच जानने का पूरा हक है। क्यों आदित्य? सुहाना की ये आवाज सुनकर आदित्य की रूह कांप उठी। उसने हकलाते हुए कहा, मतलब तुमने भी झूठ कहा, तुम सुहाना नहीं वियोना हो। नीचे बैठी देवदासी उठते हुए बोली, नहीं आदित्य, ये आधा सच है। दरअसल वियोना ने पुनर्जन्म लिया है सुहाना के रूप में। मनुष्य अपने अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन इस डायन ने अपने पापों का घड़ा भरने के लिए लिया है। इस पर सुहाना, जो अपने पिछले जन्म के वियोना के रूप में थी, वो हंसते हुए बोली, सब सही कहा इस औरत ने, ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उस दिन न जाने कैसे गांव वालों को पता चल गया मेरे बारे में। सावरी देवी प्लान के मुताबिक मेरे टोटके की वजह से गर्भवती हुई, लेकिन ठीक चंद्र ग्रहण से पहले गांव वालों ने मेरी हवेली को आग लगा दी और सावरी देवी मर गई। वरना इस वक्त मुझे ऐसे एक इंसान के रूप में जन्म नहीं लेना पड़ता। आदित्य सुहाना की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने खुद से हकलाते हुए कहा, इसका मतलब सुहाना के सपनों के पीछे का राज ये है। तभी वो देवदासी मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ती है और अचानक से सुहाना की तरफ एक सफेद भभूत फेंकती है, जिसके संपर्क में आते ही सुहाना का चेहरा जलने लगा और वो दर्द से कराने लगी, मैं अपना मकसद इस चंद्र ग्रहण पर पूरा करूंगी। सुहाना उसी भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली और अचानक से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब सुहाना को होश आया तो उसे आदित्य और देवदासी नजर आए। सुहाना तुरंत घबराते हुए खड़ी हुई। उसने देवदासी की तरफ देखा और कहा, अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा सुहाना। तुम भले पिछले जन्म में जैसी भी थी, इस जन्म में तुम एक साफ दिल माँ हो और हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, देवदासी ने कहा। सुहाना आदित्य की तरफ मुड़कर बोली,
आदित्य, मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। मुझे सब याद आ गया है, उस दिन हवेली में क्या हुआ था और क्यों मुझे सपने आते थे, क्योंकि सुहाना अचानक बोलते बोलते रुक गई। उसने आदित्य से कहा, लेकिन आदित्य, मैं वियोना जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। आदित्य ने सुहाना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे खुद से ज्यादा भरोसा तुम पर है सुहाना। आदित्य की बात सुनकर सुहाना को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर परेशानी छा गई। उसने देवदासी से पूछा, आपको इतना कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि आखिर इसका समाधान क्या है। जिस दिन आग लगी थी मैं अपने गांव गई थी, इसीलिए बच गई। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा से ही सांवरी देवी की वफादार रही हूँ। जब से सांवरी देवी का रवैया बदला, मुझे तभी से शक हो गया था। इसीलिए मैंने पता किया कि आखिर कैसे इस वियोना को हम मार सकते हैं। आदित्य ने तुरंत कहा, तो आप बताइए ना, आखिर कैसे हम मार सकते हैं? क्या उसके लिए हमें कोई खास चीज चाहिए? कहाँ मिलेगी वो? इस पर देवदासी ने सुहाना की तरफ देखकर कहा, वियोना का अंत केवल वियोना ही तय कर सकती है। ये सुनकर आदित्य और सुहाना दोनों ही सोच में पड़ गए। सुहाना ने चौंकते हुए पूछा, मैं कुछ समझी नहीं, आपका मतलब? तभी देवदासी ने सुहाना और आदित्य को वियोना को मारने का तरीका बताया, जिसे सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य ने बौखलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? देवदासी ने जोर देते हुए कहा, यही एक रास्ता है हमारे पास। तभी सुहाना ने तुरंत कहा, हम यही करेंगे, आज के आज ही। सुहाना की बात सुनकर आदित्य सक पका गया। उसने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सुहाना, तुम ये नहीं कर सकती। सुहाना ने गंभीर आवाज में आदित्य को देखते हुए कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ आदित्य। आदित्य सुहाना को देखकर समझ गया था कि इस बार सुहाना को कोई नहीं रोक सकता। वो सुहाना की बात को मानते हुए बोला, ठीक है सुहाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसमें। हमें अभी के अभी निकलना होगा। तभी जाते जाते उस देवदासी ने कहा, अब वियोना को भी पता चल गया होगा, सच पता चल गया है। इसीलिए तुम लोग सावधान रहना। इस वक्त वियोना अपने भयानक रूप में होगी। डर एक डायन को भी पागल कर सकता है, और एक बौखलाई हुई डायन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इस पर सुहाना ने पलटकर जवाब दिया, लेकिन वो डायन एक माँ की शक्ति को नहीं जानती। जब बात उसके बच्चे की आती है तो वो काली का रूप धारण करती है। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को बचाकर ही रहूंगी। सुहाना को देखकर देवदासी ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास बस चंद्र ग्रहण तक का वक्त है। जाओ और बचा लो अपनी बेटी को। इसके साथ ही सुहाना वहां से आदित्य के साथ तुरंत निकल पड़ी। जहां एक तरफ सच जानकर सुहाना और आदित्य पुतुलबाड़ी के लिए निकल पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ पुतुलबाड़ी की हवेली में पीहू काकी का पीछा करते हुए एक कमरे की तरफ जा रही थी। काकी हवेली से बाहर निकलते हुए हवेली के पीछे वाली झोपड़ी की तरफ गई। पीहू ने मन ही मन सोचा, आखिर काकी का प्लान क्या है? मैं यहाँ महीनों से बंद हूँ, ना मुझे वो कभी बताती है कि माँ ने मुझे क्यों छोड़ा, और ना ही कभी बाहर ले जाती है। आज मैं पता करके ही रहूंगी। यही सोचते हुए पीहू भी काकी का पीछा करते हुए झोपड़ी के पास आकर रुक गई। उसने कहा, अरे ये काकी तो अंदर जा रही हैं, मैं कैसे जाऊं? तभी पीहू की नजर झोपड़ी की खिड़की पर पड़ी। वो भागते हुए खिड़की के पास जाकर छुपकर झोपड़ी के अंदर झांकने लगी। उस झोपड़ी में काकी के साथ पंडित जी भी थे, और वो दोनों पीहू के बारे में बातें कर रहे थे। पंडित जी कहने लगे, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है शक्तियों को हासिल करने का? काकी ने गुस्से में कहा, नहीं, और तुम्हें कब से पीहू की फिक्र होने लगी? इस पर पंडित जी ने हकलाते हुए कहा, मेरा मतलब यही था कि वो बच्ची है, इसमें उसकी जान जा सकती है। बस पंडित, जितना बोला है उतना कर,
मैं अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए पीहू की बलि दे सकती हूँ और चाहे तो पुतुलबाड़ी के हर एक बच्चे की जान भी ले सकती हूँ। ये सुनकर बाहर खड़ी पीहू की रूह कांप उठी। उसने घबराते हुए कहा, क्या इसका मतलब काकी मुझे मार देंगी? अभी पीहू काकी की कही बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे उठा लिया। पीहू छटपटाते हुए उस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। आखिर क्या था वो तरीका जिससे सुहाना कर सकती थी वियोना का अंत, और कौन था जिसने पीहू को किया किडनैप? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।